कुचामन सिटी शहर के लोहारिया मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति पर सांड ने हमला कर दिया, जिसे घायल हालत में चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया। पार्षद बुंदू अली ने बताया कि उनके वार्ड का निवासी चांद मोहम्मद पुत्र अब्दुल गफूर 58 वर्ष किसी कार्य से डिडवाना रोड जा रहा था, इसी दौरान उस पर सांड ने हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। गौरतलब है कि लावारिस गौवंश के कारण पहले भी शहर में कई हादसे हुए और शहरवासी कई बार नगर परिषद से इस बड़ी समस्या से निजात दिलाने की मांग करते रहे हैं। चांद मोहम्मद को चिकित्सालय लाया, जहां वरिष्ठ चिकित्सक मोहम्मद शलीम राव ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर करने की सलाह दी। जानकारी मिलने पर कुचामन नगर परिषद सभापति पार्षद इमरान खान, पार्षद युवान नेता रफीक खान और चांद मोहम्मद के परिजनों से मामले की और चांद मोहम्मद के बारे में जानकारी ली। इस बारे में उन्होंने पीएमओ डॉक्टर प्रहलाद बाजिया से भी बात की और मरीज को जयपुर रेफर करवाया। मीडिया से रूबरू हुए सभापति आसिफ खान ने बताया कि शहर में लावारिस गौवंश की इस समस्या से वाकिफ है और क्षेत्र को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए इनको अनियंत्रित छुड़वाने का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लावारिस गौवंश को बाहर छुड़वाकर लोगों को इस समस्या से मुक्ति दिलवाई जाएगी। आज अभी खबर मिली कि किसी व्यक्ति को सांड ने घायल कर दिया है। अस्पताल पहुंचकर वहां पर घायल का उपचार करवाया और उसे जयपुर रेफर करवाने की सलाह दी। डॉक्टर ने जयपुर रेफर करवा रहे हैं और शहर में हमने अभी जो सांड को पकड़ने के लिए कार्य चल रहा है, काफ़ी सांडों को पकड़ा और शिफ्ट भी किया है, और भी जहाँ पर जो ये सांड हैं जिनके द्वारा कोई नुकसान हो रहा है, जनहानि हो रही है, तो उन सांडों को जरूर जल्दी से जल्दी पकड़ाया जाएगा और अन्यत्र नहीं छुड़ाया जाएगा।